प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान का हिस्सा बनने का किया आह्वान। युवाओं को फिट रहने की दी सलाह। शक्ति की देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व नवरात्र आज से हुआ शुरू। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नवरात्रों की दी शुभकामनाएं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व ने किया तय, सांसदों और विधायकों के बेटे बेटियों को विधानसभा चुनाव के लिए नहीं दिया जाएगा टिकट। और कांग्रेस नेता कर्ण सिंह दलाल ने रोहतक में चलाया चुनाव प्रचार अभियान। इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, किसान खुशहाल तो देश मालामाल। नमस्कार, मैं कामिनी मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 97वें संस्करण के जरिए एक बार फिर से देशवासियों से 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। स्वच्छता अभियान को एक नया आयाम देते हुए प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर के दिन देशवासियों से फिट इंडिया प्लॉगिंग रन कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने साथ ही युवाओं से स्वस्थ रहने के लिए नए तरीकों के व्यसनों से बचने का आग्रह भी किया है। इसी कड़ी में देश में हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रधानमंत्री ने इस तरह युवाओं को सिर्फ कसरत करते हुए फिट रहने की सलाह नहीं दी है, बल्कि उन्हें इन तरह के व्यसनों से दूर रहकर फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आह्वान किया है, ताकि एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से देशवासियों से 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए इस कदम पर आज दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। इसी क्रम में स्वच्छता अभियान को एक नया आयाम देते हुए प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर के दिन देशवासियों से फिट इंडिया प्लॉगिंग रन कार्यक्रम में भाग लेने को कहा है। प्लॉगिंग में लोग जॉगिंग करते हुए सड़कों पर पड़े कचरे को साफ करते हैं, जिससे कि शरीर की भी कसरत हो जाती है और सफाई भी। इस बार पूज्य बापू की जयंती के अवसर पर खेल मंत्रालय भी फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का आयोजन करने जा रहा है। 2 अक्टूबर को 2 किलोमीटर प्लॉगिंग, पूरे देश भर में यह कार्यक्रम होने वाले हैं। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस अभियान में हम सबको ये करना है कि हम 2 किलोमीटर तक जॉगिंग भी करें और रास्ते में पड़े प्लास्टिक के कचरों को भी जमा करें। इससे हम न केवल अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, बल्कि धरती माँ की सेहत की भी रक्षा कर सकेंगे। हाल ही में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी प्लॉगिंग रन में भाग लेते हुए युवा साथियों से इसमें भाग लेने को कहा था। प्रधानमंत्री ने साथ ही युवाओं से स्वस्थ रहने के लिए नए तरीकों के व्यसनों से बचने का आग्रह भी किया है। इसी कड़ी में देश में हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में भारत में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये भ्रांति फैलाई गई है कि ई सिगरेट से कोई खतरा नहीं है। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि नशे का यह नया तरीका हमारे युवा देश को तबाह न कर दे, हर परिवार के सपनों को रौंद न डाले, बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो जाए। ये बीमारी, ये आदत समाज में जड़े न जमा दे। मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि तंबाकू के व्यसन को छोड़ दें और ई सिगरेट के संबंध में कोई गलतफहमी न पाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लिए काम कर रही महिलाओं को सम्मानित करने के लिए देश भर में कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया है। किसी भी देश या समाज के निर्माण और विकास में जितना योगदान पुरुषों का होता है, उतना ही योगदान महिलाओं का भी होता है। सेल्फी विद डॉटर अभियान की तरह ही प्रधानमंत्री ने इस बार समाज की महिलाओं और बेटियों की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर हैशटैग भारत की लक्ष्मी के साथ साझा करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने भारत की एक ऐसी ही महान बेटी के साथ बातचीत कर शुरू की। प्रधानमंत्री ने महान गायिका लता मंगेशकर को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा। लता मंगेशकर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे कामों की सराहना की।
किसी भी देश या समाज के निर्माण और विकास में जितना योगदान पुरुषों का होता है उतना ही योगदान महिलाओं का होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लिए काम कर रही महिलाओं को सम्मानित करने के लिए देश भर में कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया है। सेल्फी विद डॉटर अभियान की तरह ही प्रधानमंत्री ने इस बार समाज की महिलाओं और बेटियों की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर #भारत की लक्ष्मी के साथ साझा करने के लिए कहा है। हमारे बीच कई ऐसी बेटियां होगी जो अपनी मेहनत और लगन से टैलेंट से परिवार का समाज का देश का नाम रोशन कर रही होगी। क्या इस दिवाली पर भारत की इस लक्ष्मी के सम्मान के कार्यक्रम हम कर सकते हैं? हमारे आसपास कई बेटियां कई बहुएं ऐसी होंगी जो असाधारण काम कर रही होंगी। इन बेटियों की उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया में अधिक से अधिक शेयर करें और हैशटैग यूज करें #भारत की लक्ष्मी। जैसे हम सब ने मिलकर एक महाअभियान चलाया था सेल्फी विथ डॉटर और वो दुनिया भर में फैल गया था, उसी तरह इस बार हम अभियान चलाएं भारत की लक्ष्मी। भारत की लक्ष्मी के प्रोत्साहन का मतलब है देश और देशवासियों की समृद्धि के रास्ते मजबूत करना। मन की बात की इस कड़ी की शुरुआत प्रधानमंत्री ने भारत की एक ऐसी ही महान बेटी के साथ बातचीत कर शुरू की। प्रधानमंत्री ने महान गायिका लता मंगेशकर को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए उनसे आशीर्वाद मांगा। लता मंगेशकर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे कामों की सराहना की। मैं जानती हूँ कि आपके आने से भारत का चित्र बदल रहा है और वही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। बस दीदी आपके आशीर्वाद बने रहे, पूरे देश पर आपके आशीर्वाद बने रहे और हम जैसे लोग कुछ न कुछ अच्छा करते रहे, मुझे आपने हमेशा प्रेरणा दी है। शक्ति की देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर जा रहे हैं। नवरात्रे के पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रे की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि यह पर्व लोगों में नई ऊर्जा उत्साह का संचार करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में माँ विंध्यवासिनी देवी के प्राचीन मंदिर में श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। भिवानी वासियों ने आज एकत्रित होकर रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सुना और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए समाज उपयोगी बातों को जीवन में अपनाने की बात कही। अमन कुमार, अमर सिंह यादव, पुरुषोत्तम अजय ने बताया कि उन्होंने आज ध्यानपूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने की बात कही। नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि भाई ई सिगरेट को लेकर युवा अपने परिजनों को अभिभावकों को गुमराह करे कि भाई इसमें ज़्यादा जहर नहीं तम्बाकू नहीं है, तो ये एक उनकी भूल है। वे अभिभावकों के बजाय खुद को अंधेरे में ले जा रहे हैं, इसके भविष्य में परिणाम दुखद होंगे। ये एक बीड़ी सिगरेट से ज़्यादा ही जहरीला ई सिगरेट जहरीला जहर है। ये जो मन की बात कार्यक्रम में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने आने वाले त्योहारों के सीजन है इसके बारे में कहा कि चिराग तले अंधेरा न रहे। इसके बारे में हमारा यही कहना है कि चिराग तले अंधेरा हम तब माने जब जो हमारा गरीब वर्ग है, मध्यम वर्गीय आदमी है, उसके घर भी मिठाइयाँ पटाखे या जो भी जरूर त्योहारी सीजन पर जो चीज़ें उपलब्ध हों समान रूप से हों। दुर्गा माता के पावन नवरात्रों के अवसर पर कैथल के प्राचीन बड़ी देवी मंदिर में श्रद्धालु बड़ी दूर दराज से आते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित भूषण देव ने कहा कि माता रानी के इन पावन नवरात्रों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रों के दौरान घरों और मंदिरों में पूरी शुद्धि से माता की जोत जलती है और माता की पूजा अर्चना कर घर में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की जाती है। यह महामाई की कृपा से आशीर्वाद के लिए इस समय में शारदीय नवरात्र मनाए जा रहे हैं, जो इसमें वातावरण में शक्ति का अनुभव
क्रियाओं का अनुभव होता है, जो इस समय में व्रत आदि करने से महामाई की विशेष कृपा होती है। श्रद्धालुओं ने कहा कि सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से दुर्गा माँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। उन्होंने कहा कि नवरात्रों के दौरान श्रद्धालु व्रत रखते हैं और अष्टमी के दिन पूजा अर्चना संपन्न कर कन्याओं का पूजन करके भोजन करवाते हैं। की बहुत श्रद्धा है जी, नवरात्रे आज पहला नवरात्रा है माता का, आज से ही मंदिर में भीड़ लगनी शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं, पूरा मंदिर श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। माता रानी के नवरात्रे शुरू हो गए हैं, माथा टेकने आए हैं कि माता रानी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे, हम पे सुख शांति बनाए रखे और हमारे घर में माता रानी का वास रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि रोहतक से ही प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों का चुनाव प्रबंधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व यह पहले ही तय कर चुका है कि सांसदों व विधायकों के बेटों व बेटियों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया जाएगा। सुभाष बराला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने विपक्ष को लोकसभा चुनाव में आईना दिखा दिया है। सुभाष बराला भाजपा कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर रोहतक पहुंचे थे। आज यहाँ पे हमारा जो प्रांतीय कार्यालय है, इसके अंदर जो चुनावी गतिविधियाँ एक किस्म से विधिवत रूप से शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि आज से संभावना है कि टिकटों की घोषणा भी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले भी वो लोग कहते थे, जींद के उपचुनाव में भी इसी प्रकार की वो बातें करते थे। जींद उपचुनाव में, उससे पहले निगम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने एक ये आईना दिखा दिया सभी दलों को कि हरियाणा के अंदर परिवार तंत्र नहीं चलेगा, हरियाणा के अंदर भ्रष्ट तंत्र नहीं चलेगा। हरियाणा की जनता ने इस तय कर लिया कि हरियाणा के अंदर एक पारदर्शी, एक ईमानदार, एक जवाबदेह सरकार चलेगी। पलवल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने दरबार कुआं में चुनाव प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में हर व्यक्ति खुश था। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, अगर यही हाल रहा तो सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। आज भाजपा को यह बताना चाहिए कि प्रदेश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक हालत में सुधार करना भाजपा की जिम्मेदारी है। हमारे 10 साल के राज में हर चेहरे पे रौनक थी, हर जेब में पैसा था, हर हाथ के पास काम था और चारों तरफ दिवाली मनती थी, कोई मकान बना रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई कुछ। इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 के चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर टिकी हुई है, अगर किसान खुशहाल होगा तो देश मालामाल होगा। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार से जनता परेशान है, किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए गए और ना ही सरकार ने फसलों की खरीद सही ढंग से की। गांधी जी का पवित्र जन्म दिवस है, हम उस दिन पार्टी के प्रत्याशियों की सूची छाया है और उसमें 33% महिलाओं को टिकट लिस्ट हम नहीं बढ़ाएंगे। आप सब लोग बैठे हो, आप अपने हलके से अच्छे प्रत्याशियों का चयन करके नाम हमारे पास भेजें। तो ये थे आज के समाचार, नमस्कार।